हेलो दोस्तों आप सभी का लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से दोस्तों आज बात होगी एक नेता के दो वारिसों पर एक घर में बनी दो पार्टियों पर और इन पार्टियों को चलाने वाले नेताओं की छवि जनता के मुद्दों के प्रति इनका समर्पण और इनके खुद के सपनों पर तो दोस्तों आज बात मैं कर रहा हूं अपना दल के संस्थापक सोने लाल पटेल जी जो अब स्मृति शेष हैं उनकी दोनों बेटियों पर अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की नेता हैं और पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं जिसकी अध्यक्ष हैं इनकी माता जी कृष्णा पटेल जी दोस्तों पहले इन दोनों बहनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर चर्चा करेंगे कुछ तीखी तीखी चर्चा भी करूंगा। जहां अनुप्रिया पटेल जी के साथ मोदी जी हैं यानी देश की सरकार है और इस कारण से ये मंत्री हैं वहीं इनकी बहन पल्लवी पटेल के साथ इनकी माँ है और इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इनको सहारा दिया सहयोग दिया समर्थन दिया जिससे ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सिराथू विधानसभा सीट से हराने में कामयाब हो सकी हैं यानी एक तरफ जहां इनके साथ एनडीए है बीजेपी है वहीं इनके साथ इंडिया गठबंधन और उसकी सबसे मजबूत दल यूपी में समाजवादी पार्टी है क्योंकि ये उसी पार्टी की विधायक है लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि किसके हाथ में ताकत ज्यादा है क्योंकि ये दोनों ही नेता एक ही नेता की वारिस है तो कौन असली वारिस है सत्ता में बैठ जाने से कोई किसी नेता के पद चिन्हों पर चल रहा हो यह नहीं कहा जा सकता बहुत बार देखा गया है कि किसी नेता की संताने उसके जैसी तेजस्वी नहीं हो पाती और बहुत बार ये भी देखा गया है कि किसी नेता की संतानें उससे आगे ले जाती हैं उसकी राजनीति को उसकी विरासत को अब सवाल ये बनता है कि सोने लाल पटेल जी कौन थे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सब लोग जानते हैं लेकिन चाहे कुछ भी कोई न जानता हो इतना तो जान लीजिए जो सबसे कम से कम है कि ये संघर्ष से तप करके आगे बढ़ करके आए थे ये अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन लड़ना नहीं छोड़े और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में कोई भी लड़ता है तो शोषितों वंचितों के लिए लड़ता है ये भी शोषितों वंचितों के लिए लड़ रहे थे जो धर्म की राजनीति करते हैं वो मंदिर के लिए लड़ते हैं तो सामाजिक न्याय की बात तो हर कोई करता है अब सवाल ये बना कि जब इनके जाने के बाद ये दो पार्टियां बन गई मां के साथ इस बेटी का रिश्ता नहीं सही चला और इस नाते इन्होंने अपने पति के साथ अलग रास्ता ले लिया और फिर माँ को छोड़कर ये मोदी जी के साथ हो गई मोदी जी से सीखी होती कि मोदी जी माँ के साथ हमेशा जाते थे हाँ बहुत लोग जाते हैं लेकिन उतना कैमरा लेकर नहीं जाते सब लोग जान नहीं पाते लेकिन मोदी जी हमेशा माँ का प्रयोग करते थे तो कम से कम इस बात को पल्लवी पटेल ही सीख लें क्योंकि इनके पास माँ हैं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भी कैमरा लेकर फोटो खिंचाएं ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि इनको उसकी जरूरत भी नहीं है ये हमेशा इनके साथ है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग नहीं कर पा रही हैं माफ करिएगा मैं सही सुझाव दे रहा हूँ हक है कोई देने का नहीं है मैं नहीं जानता लेकिन पल्लवी पटेल सही तरीके से अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर रही हैं युवा नेता हैं महिला नेता हैं तेज बोलने वाली हैं स्पष्ट वक्ता हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि बहुत तेज वक्ता थी उमा भारती इसीलिए चर्चित हुई मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी लेकिन जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ यानी अपने दल के विपक्षी दल के खिलाफ बोल रही थी तब तक उनकी सराहना हुई जैसे ही उन्होंने वही तीखी भाषा अपने ही पार्टी के प्रमुख नेता वरिष्ठ नेता कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ उगल दी तब से उनका पार्टी में कद खत्म हो गया लगभग दूसरे हम नेता का नाम लेंगे मदन लाल खुराना दिल्ली में बहुत अच्छे वक्ता थे जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे वो भी अपने अधिक बोल देने के कारण से ही हटाए गए थे तो दोस्तों आप अच्छा बोलती हैं तेज बोलती हैं लेकिन किसके लिए बोलती हैं ये yes, चुपचाप मोदी जी के साथ होली नहीं है अब कुर्मी समाज की दोनों ही नेता हैं वैसे तो यह कहना गलत होता है कि कोई अपनी जाति का नेता है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि यहां मतदाता वर्ग ही अपनी जात के नेता को देखकर वोट देता है तो चाहे ये लोग सभी जाति वर्ग धर्म की वकालत कितना भी कर ले कोई भी नेता कर ले मैं ही कल राजनीति करूं कर लूं लेकिन दूसरे जातियों से वोट पाना बड़ा मुश्किल हो गया है यह न जाने कौन सा चलन आ गया और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मतदाताओं में ऐसी सोच नेताओं ने विकसित की और नेताओं और मतदाताओं में ऐसी सोच का होना संविधान के विरुद्ध है व्यक्ति और व्यक्तित्व के मूल्यांकन पर वोट होना चाहिए न कि उसकी जात पर लेकिन जरा देखिए कि एक तरफ जहां सोनेलाल पटेल अपने जात से भिन्न लोगों के हितों के लिए भी बात कर रहे थे ना वहीं जब पीडीए का फार्मूला बना तो पल्लवी पटेल ने जो विरोध किया जिन दो लोगों का उनके व्यक्तित्व पर चर्चा नहीं की बल्कि केवल उनकी जात को पकड़ लिया सौ फीसदी जात पर अड़ गई और इन्होंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि वो इनके नेता हैं अखिलेश यादव जिस पार्टी के विधायक हैं और इन्होंने उस मुद्दे को इतना हद तक उठाया कि अखिलेश यादव पर ही पीडीए के साथ नाइंसाफी करने का सवाल उठ गया यानी ये जिसके साथ थी उसी को कमजोर कर दी समझिएगा अखिलेश यादव किससे लड़ रहे हैं सरकार से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव कौन है इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख ताकत है अगर उनको कोई उन्हीं का अपना आदमी कमजोर कर देगा तो या तो वो इतना क्षमतावान हो कि उनके जगह पर पहुंच सके अगर वो उनकी जगह पर नहीं पहुंचेगा तो उसने दो तरफा नुकसान कर दिया मैं पल्लवी पटेल जी की बात कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा इस चैनल का नाम यूं ही द लॉजिकल इंडियन नहीं है क्या इनको मोदी जी यानी बीजेपी अपने साथ लेगी बिल्कुल नहीं लेगी क्योंकि ये इनकी तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं शुरू से लोकप्रिय हैं ये एक ही समाज से एक परिवार से दोनों बहनें आती हैं इस नाते उसी वोट बैंक में दोनों बंटवारा करती हैं ऐसे में जब एक बहन इनके साथ है किसके साथ बीजेपी के साथ और बड़ी संतुलित तरीके से चला जा रहा है तो यहां से कोई इनको हटाकर मोदी जी इनको ले लेंगे जरूरत नहीं और क्योंकि ये मोदी जी के यानी बीजेपी के साथ थी इसी नाते समाजवादी पार्टी ने इनको साथ दिया अब जो साथ दिया उसी को आप हर जगह हर जगह नीचा दिखा दे रही हैं तो फिर साथ कौन देगा आपका ध्यान दीजिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में छह प्रतिशत कुर्मी समुदाय के लोग हैं अगर हम इन दो पार्टियों की बात कर दें तो तीन तीन फीसदी ऐसे ही बंट गए अब केवल तीन फीसदी का अगर वोट आपके पास है तो तीन से छह तक तब जाएगा जब आप और लोगों के साथ जुड़ेंगे और आपका जो मतदाता वर्ग है उसको आप जीतते हुए दिखेंगे अन्यथा आपके जात समाज के लोग चाहेंगे कि अपने समाज से वे उस नेता को वोट दे दें जो चुनाव जीतने लायक हो तो अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आपको अलग छोड़ देगी तो आपका अपना समाज ही आपको वोट नहीं देगा इनको दे देगा वहीं पर समझिएगा इसलिए आपको इस समय जबकि गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है संविधान के पक्ष में हवा चल रही है आप इस समय अपने ही गठबंधन को परेशानी में डाल रहे हैं ये ठीक नहीं है तो आपके साथ मां है और मोदी जी मां से मिलने जाते हैं अगर आप जब मोदी जी मां से मिलने जाते तब आप ये तुलना करते और कहती कि जरा इनको समझाइए तो देश बहुत भावुकता पर चलने वाला है आपके पास एक अच्छा मुद्दा बनता ये देश भावुकता पर चलता है आप मां के साथ हैं लेकिन वो सामान्य बात हो गई है दूसरी बात कि आप अखिलेश यादव के साथ होकर भी उनके साथ नहीं हैं और तीसरी बात पल्लवी पटेल जी कि आपको कभी जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए नहीं देखा गया जितना आप सीट के लिए लड़ रही हैं और इस समय की जनता या तो मोदी जी के पक्ष में है या मोदी विरोध में है ये जान लीजिए भारत की जनता इस समय मोटे मोटे हिस्से में ऐसे ही बटी हुई है अब उसके बाद कुछ हिस्सा ऐसा है जो अपने जाति धर्म या विचार वाले नेता के साथ जुड़ा है वो जहां रहेगा वहां रह लेगी वो बहुत कम संख्या इस बार के चुनाव में बची है मोदी जी के साथ वाली जनता आपको वोट नहीं देगी क्योंकि आप उनके साथ हैं नहीं बल्कि आपकी बहन उनके साथ है और मोदी जी के विरोध वाली जनता उसको वोट देगी जो विरोध करने के लायक हो ऐसे में जो आप सीट डिक्लेयर करके दबाव डाल रही हैं वो उल्टा पड़ सकता है अगर समाजवादी पार्टी ने आपको एक भी सीट नहीं दी तो भी वो आपके वोट ले सकती है आपके जात के प्रत्याशी खड़ा कर देगी वैसे भी कुर्मी समाज का सारा वोट केवल इन्हीं दोनों लोगों की पार्टियों में नहीं जाता नरेश उत्तम भी पटेल समाज से आते हैं और तमाम लोग पटेल समाज से आते हैं जिनको जनता वोट देती है लोकप्रिय नेता हैं बिनी प्रसाद वर्मा मरखूराम वर्मा तमाम नेता रहे हैं और उनके वारिस लोग हैं तो राजनीति केवल सीटों के लिए अगर करते आप दिखेंगी और सीट पाने के लिए अपने उसी नेता को आप बदनाम कर देंगी जिसके सहारे से आपको वोट मिलेगा सहारे से जी हां तो यह गलत राजनीति है सब कुछ होकर भी सब कुछ खो देंगी इसलिए आज के इस दौर में आपको यह बोलना चाहिए और अभी बहुत सारी उम्र बची है राजनीति में उम्र भी देखी जाती है भाई तेजस्वी यादव सीट ज्यादा लेकर डिप्टी सीएम आसानी से क्यों बनते हैं कल कौन जाए कि नहीं हमको सीएम बनाइए नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बने तो इस देश में उम्र का बड़ा असर होता है इस देश में उम्र का बहुत असर है फौरन लोग कहेंगे अभी हैं चालीस साल के और सत्तर साल के नेता से कह रहे हैं कि हमारा डिप्टी बन जाओ सत्तर साल वाले भी डिप्टी बनेंगे लेकिन जो आपके नीचे रहेगा वो और एक तर्क क्या दिया जाता है कि बहुत अवसर है राहुल गांधी के पास अवसर है अखिलेश यादव के पास अवसर है जयंत चौधरी के पास अवसर है चंद्रशेखर आजाद रावण के पास अभी अवसर है तेजस्वी यादव के पास अवसर है समय का भी चिराग पासवान के पास अवसर है ऐसे ही पल्लवी पटेल की उम्र के आधार पर यह कहा जाएगा कि इनके पास भी अभी राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर है तो दूर की देखिए और अनुप्रिया पटेल के पास भी आगे अवसर है लेकिन इन्होंने अपना अवसर कैस कर लिया है इनके खिलाफ इस समय अगर आप सवाल उठाती आपको सबसे बड़ा अच्छा काम क्या करना था कि मोदी सरकार की उन नीतियों पर सवाल करिए जिन नीतियों का जनता विरोध कर रही है उन खामियों को उठाइए और इन खामियों को उठा करके सवाल करिए इस पार्टी से तो आपका समाज आपके साथ जुड़ेगा केवल सीट मांगने से समाज सीट नहीं देता है न कोई नेता सीट देता है यह सच है कि आप सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराएं और चर्चित हो गई लेकिन यह भी सच है कि ऐसा आप कर पाई क्योंकि आपके साथ समाजवादी पार्टी थी समाजवादी पार्टी भी इसीलिए ऐसा कर पाई क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ थी यानी दोनों जब मिले तब एक बहुत बड़े नेता को चुनाव हरा दिया आप तभी पहचानी जाएंगी जब कहीं आप जीतेंगी और जीतने के लिए लोगों का सहयोग चाहिए जितना जल्दी स्पष्ट हो जाए कि आपको देश की चिंता है खुद की चिंता नहीं है परिवार की चिंता नहीं है पिताजी के सपनों की चिंता है उतना ही जल्दी राजनीति में आप ऊंची उड़ान भरने लगेंगी नहीं तो जो कोई खुद की बात करते दिख गया चाहे था या नहीं था अगर दिख गया तो इस देश की जनता उसको गायब कर देती है समाज उसको नहीं पूछता है तो दोस्तों ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक नेता जो एक पार्टी बनाकर चला है उसी के नीचे उसके परिवार में दो दो पार्टी बन जा रही हैं। आप देखिए रामविलास पासवान की राजनीति के पीछे क्या हुआ उनके भाई एक तरफ उनके बेटा एक तरफ अब दोनों से पूछा जाए कि ये दोनों क्या अलग अलग तरीके से देश की सेवा करेंगे तो ये व्यक्तिगत खुन्नस से ही तो पार्टियां बनाई जा रही हैं और फिर कहेंगे कि हमें धार्मिक किताबों ने बांटा इसीलिए मैं कहता हूं कि दूसरे पर केवल दोष मर देने से आपकी गलतियां सुधर नहीं जाएंगी ये के मतदाताओं को आप इकट्ठा कर लेंगे जाति समाज के नाम पर लेकिन फिर वो आप खुद बांट रहे हैं दो हिस्से में ठीक है अलग पार्टी बना लिया बना लीजिए नहीं पट रही बना लिया अब ऐसा दाव खेलो कि सारे मतदाता आपकी तरफ आए और इसके लिए लड़ाई पल्लवी पटेल जी आप उल्टे लड़ रही हैं कल जिस तरह से आपने तीन सीटों का की घोषणा की थी हम जैसे लोग चकित हो गए कुछ चैनल चलाने लगे अखिलेश ने दिखाया बड़ा दिल दिया तीन सीट भाई तीन प्रतिशत वोट पर तीन सीट कैसे मिल सकती है अस्सी सीट है कुल और सारे उस समाज के लोग आप ही के साथ नहीं हैं सभी पार्टियों में पटेल समाज के कुर्मी समाज के लोग हैं एक अवसर होता है आगे बढ़ने का तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जनता के लिए लड़ते दिखिए न कि अपने लिए किसी अपने से बहुत बड़े नेता से लड़ते दिखिए अगर बहुत बड़े नेता से लड़ना है तो उससे लड़िए जिससे जनता आपको लड़ते हुए देखना चाहती है उसकी बात करिए एक तरफ जब आपने पीडीए का दामन पकड़ करके इस तरह से झकझोर दिया था अखिलेश यादव को कि वो परेशान हो गए और आपने सबसे पहले आवाज उठाई थी आपने कहा था कि हम नहीं वोट देंगे जात के आधार पर आपने कहा था यह ठीक है कि समाजवादी पार्टी से तमाम सवर्ण विधायकों ने गद्दारी की लेकिन आपने ये जो कह दिया कि हम किसी गैर पीढ़ियों को वोट ही नहीं देंगे यह तो संविधान से गद्दारी है यह कहां लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी जात के आधार पर किसी को वोट नहीं देगा बताइए दोस्तों संविधान में रोज पढ़ाता हूं फिर आप में और कट्टर पंथ की राजनीति करने वाले नेताओं में क्या अंतर रह गया जो ये कहता हो कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्या अंतर रह गया सीखिए मोदी जी से कि जानते हैं कि मुस्लिम समाज उनको वोट शायद न दे शायद क्या कंफर्म खुद ही नहीं लेना चाहते एक भी टिकट नहीं देते हैं लेकिन बोलते हैं हम एक करोड़ के नेता हैं और इस समय ऐसी कोई राजनीति नहीं है कि आप सवर्ण विरोध में उतरेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है अब समाज में हकीकत में वो भेदभाव नहीं है कि उसमें ऊर्जा पैदा हो तो इसलिए आपको सुझाव है कि आप एक अच्छी नेता हैं प्रखर वक्ता हैं युवा हैं आपकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है तो विचार को भी आप वहां ले चलिए जहाँ से आपसे आपकी पार्टी लाभान्वित हो आपके सहयोगी दल लाभान्वित हों और भारत की जनता या आपके उस इलाके की जनता जहाँ आप नेतृत्व तो कर रही हैं लाभान्वित हो पीडीए का मतलब ये नहीं है कि पीडीए को ही वोट दिया जाएगा पीडीए का ही वोट लिया जाएगा पीडीए को ही टिकट दिया जाएगा अगर ऐसा कोई पार्टी घोषणा कर देती है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसको असंवैधानिक हम घोषित करवाएंगे आप अपने पार्टी का जारी करिए घोषणा पत्र कि आपकी आप पार्टी जात के आधार पर कुछ लोगों को टिकट नहीं देगी दे ना दें लेकिन जरा घोषणा पत्र जारी करके दिखाइए अगर पार्टी को प्रतिबंधित न करा दिया जा संविधान के जरिए फिर कहिए क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता ये जो बड़के बड़के नेता धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं टिकट नहीं दे रहे हैं उनकी भी हिम्मत नहीं है कि लिख दें कि मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे और लिखेंगे नहीं देखिए वो क्या बोलते हैं सीखिए थोड़ा ये शायद उतनी कठोर नहीं हूं लेकिन बोलने में बोल रही हैं और उधर हाँ तो क्या हुआ क्या मुसलमान ही मुसलमान का लीडर बनेगा अरे भाई मुसलमान इस देश का नागरिक है उसका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होगा संसद में क्यों नहीं उसको आप टिकट दे रहे हैं अब आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं और 140 करोड़ के आप नेता भी हैं तो उसमें हर समाज के लोग होने चाहिए ना लेकिन सच में क्या है हकीकत क्या है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देना है लेकिन कहीं लिखना बोलना नहीं है लिखने में क्या है सबको सबके हैं तो जिस तरह से आपने धर्म जात के नाम पर लकीर खींची है वो हानिकारक है वो खतरनाक है इस तरह की राजनीति से बचिए और जिस तरह से आपने तीन सीटों की घोषणा कर दी है बिना अखिलेश यादव को संज्ञान में लिए तो फिर क्या हुआ अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से आर एस बिंद को टिकट दे दिया आपको मिर्जापुर फूलपुरा और कौशाम्बी की सीट चाहिए थी और सीट में भी आप प्रत्याशी किसको बना रही हैं जरा ये भी देखने लायक है एक बहन पहले से ही मंत्री बनकर बैठी है सांसद हैं आप अपनी पार्टी से खुद को बनाएंगे अपनी माता जी को बनाएंगे तो ये देश क्या किसी परिवार के लिए चल रहा है एक परिवार में दो पार्टी और फिर सारे लोग सांसद विधायक बनेंगे यही ठप्पा लगता है मुलायम सिंह यादव परिवार पर और वो पीछे खिसक जाता है जनाधार वहीं से गायब भी हो जाता है आप समाज को न्याय देने चले हैं हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और अपने समाज की सारी हिस्सेदारी अपने घर में तो थोड़ा बड़ा दिल दिखा करके साथ लीजिए साथ दीजिए आपके अंदर जो क्षमता है उससे आप अपने समाज का स्वयं का अपनी पार्टी का देश का लाभ कर सकती हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं रात में नौ बजे संविधान पर लाइव क्लास लेता हूं आप उस लाइव क्लास में संविधान पढ़ने के लिए मुझसे जुड़िए और इस वीडियो को आप लाइक करिए शेयर करिए चैनल सब्सक्राइब न हो सब्सक्राइब करिए जय संविधान